श्री राम व सीता मैया की पवित्र चरण पादुकाएं अयोध्या में स्थापित की जाएंगी। इन चरण पादुकाओं को लेकर श्री राम राज्य युवा यात्रा के प्रदोष जवान रविवार शाम श्री पोदारेश्वर राम मंदिर पहुंचे। यह राजे मधुजी महाराज भोसले ने इन पादुकाओं की पूजा अर्चना की। यह सु अवसर दीपोत्सव के रूप में मनाया गया। इसके तहत सैकड़ों दीप प्रज्वलित किए गए, इससे मंदिर परिसर जगमगा उठा। श्री आशुतोष ने पादुकाओं की जानकारी देते हुए बताया कि कन्याकुमारी से लेकर देश भर में इन पादुकाओं का पूजन किया जाएगा। पूर्व महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि वर्ष 2016 में पोतारेश्वर राम मंदिर की ओर से वन गमन यात्रा निकाली गई थी। इसी दौरान राम के वन गमन मार्ग के महत्वपूर्ण स्थलों की रज और जल लाया गया था। श्री राम राज्य युवा यात्रा के प्रदोष चौहान ने चरण पादुकाओं का महत्व बताते हुए यात्रा की जानकारी दी। चरण पादुका यात्रा सोमवार को रामटेगढ़ मंदिर पहुंचेगी। यह स्वागत और पूजन किया जाएगा। इस अवसर पर श्री पोतारेश्वर राम मंदिर के प्रबंध ट्रस्टी रामकृष्ण पोतार, नागेश्वर महाराज, भागीरथी महाराज, डॉक्टर पवन आर्य, श्री विवेकानंद प्रमुखता से उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।